जिला न्यायालय देवास ने सांप्रदायिक उपद्रव और धार्मिक स्थल में पेट्रोल बम की बरामद के मामले में 19 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। सजा सुनने के बाद एक आरोपी की तबीयत खराब हो गई, जबकि कुछ आरोपी अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आए। आपको बता दें कि 15 जनवरी 2016 को हुए सांप्रदायिक उपद्रव के दौरान 19 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था। यही नहीं, सर्चिंग के दौरान एक धार्मिक स्थल से पेट्रोल बम की बरामद हुए थे। देवास जिला न्यायालय ने 19 आरोपियों को विभिन्न धाराओं में 10-10 साल की सजा सुनाई है। सजा सुनने के बाद एक आरोपी की तबीयत खराब हो गई, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जिससे जिला अस्पताल में भारी भीड़ हो गई और अन्य आरोपियों को जब कोर्ट से पुलिस अपने वाहन में लेकर जा रही थी, तब बड़ी संख्या में आरोपी के परिजन और समर्थक वहां इकट्ठे हो गए। इसी दौरान कई बार आरोपी द्वारा अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद भीड़ को खदेड़ दिया। ऐसा क्या है पूरा मामला और कितने आरोपी थे और क्या सजा हुई इनको? वर्ष 2016 में कोतवाली थाने के फर्स्ट क्रमांक 44/16 में मुकदमा दर्ज, जिसमें जो है सेक्शन 307, 147, 148, 149, 323, 506, 427 और 188 के तहत मुकदमा कोतवाली पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। कुल मिला के 19 मुलजिम इस अपराध में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे और इस मुकदमे में आज माननीय न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास से दंडित। सर मामला क्या था, क्या घटना हुई थी उस दिन? वर्ष 2016 के उस अपराध में कुछ आरोपियों द्वारा खारी बाउड़ी क्षेत्र में डंडे और लाठियां लेकर और आयुध का उपयोग करते हुए और आम जनता को डराने धमकाने का प्रयास किया गया था और कुछ नुकसानी कुछ गाड़ियों की भी हुई थी। इसके साथ ही तत्कालीन कलेक्टर और तत्कालीन एसपी द्वारा जब उस क्षेत्र में वहां पहुंच के और सर्च किया गया तो कुछ आरोपियों से धर्मस्थल में पाए गए कुछ पेट्रोल बम वहां से और कुछ पत्थर जब्त किए गए, जिसपे ये अपराध कायम होकर और आज माननीय न्यायालय द्वारा सजा दी। सर आपका नाम? अतुल कुमार पंड्या, AGP देवास। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।